भारत का कद दिन प्रतिदिन तेजी से पूरी दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है। या तो ये कहा जाए, मोदी सरकार के आने से भारत की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। गणतंत्र दिवस पर आसियान समूह के 10 देशों के राष्ट्र प्रमुखों को पीएम मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। इन सभी देशों और चीन के बीच में किसी न किसी बात को लेकर विवाद तो चल ही रहा है। ऐसे में अब वो जबरदस्त खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर हर भारतवासी का सीना गर्व से फूल उठेगा। अब भारत सीधा इन देशों के समूह के साथ मिलकर चीन को हर मुंह तोड़ जवाब देगा जिसे पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि एक साथ इतने सारे देश अगर चीन का विरोध करते हैं तो चीन को झुकना ही होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की गणतंत्र दिवस पर आए अतिथि यानी कि आसियान समूह के 10 देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने ये तय करते हुए ये इच्छा जाहिर की है कि अब से रणनीतिक तौर पर इंडो पैसिफिक समूह का लीडर भारत होगा। इसका मतलब भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दखल अंदाजी को भारत अब सीधा इन 10 देशों के सहयोग से चुनौती दे सकेगा। विदेश मंत्रालय में सचिव प्रीति सरन को संवाददाता सम्मेलन में जब पूछा गया कि क्या आसियान देशों के नेताओं ने भारत प्रशांत क्षेत्र में भारत के लिए ज्यादा मुख्य भूमिका की वकालत की है, तो इस पर उन्होंने कहा, हाँ, ये सभी 10 नेताओं ने भारत को अपनी इस इच्छा से अवगत करवाया है कि वह रणनीतिक तौर पर अहम भारत प्रशांत क्षेत्र में ज्यादा मुख्य भूमिका निभाए। यही नहीं, आसियान नेताओं ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में भारत के बड़े कद को स्वीकार किया है। आपको बता दें कि भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। भारत प्रशांत क्षेत्र में भारत की ओर से बड़ी भूमिका निभाने की आसियान देशों की इच्छा की अहमियत रखी है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर के विवाद के मुद्दे पर चीन और आसियान के कई सदस्य देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। आसियान के सभी 10 सदस्य देशों के नेता यहां भारत आसियान संबंधों के 25 साल पूरे होने और भारत के 69वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आए थे। भारत प्रशांत मोटे तौर पर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्रों से संबंधित है। इसमें विवादित दक्षिण चीन सागर भी शामिल है, जहां वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई लगभग पूरे जल मार्ग पर चीन के दावे पर सवाल उठाते हैं। थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और ब्रुनेई आसियान के 10 सदस्य देश हैं। सरन ने आगे कहा है कि आसियान के सभी नेताओं ने भारत प्रशांत क्षेत्र में भारत की सकारात्मक भूमिका की सराहना की है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी ही खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।